मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर दुर्ग सिविल लाइन स्थित हॉकी ग्राउंड में हुआ आयोजन, साथ ही खिलाड़ियों को पुरस्कार से किया गया सम्मानित। हॉकी के जादूगर कहलाए जाने वाले मेजर ध्यानचंद की जयंती पर 29 अगस्त को दुर्ग के सिविल लाइन ग्राउंड में भव्य आयोजन किया गया। इस मौके पर दुर्ग जिला हॉकी संघ के द्वारा मेजर ध्यानचंद को सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए ग्राउंड में भव्य हॉकी का मैच खेला गया। वह दुर्ग जिला हॉकी संघ के अध्यक्ष अंसार अहमद और उपाध्यक्ष सूर्यमणि मिश्रा ने बताया कि हॉकी के जादूगर महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की याद में 5 हॉकी टीम का मैच कराया गया। साथ ही फाइनल मैच के बाद सभी खिलाड़ियों को उपहार वितरण किया गया। इस मौके पर कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में IAS उपेश गुप्ता, पद्मनापुर थाना प्रभारी, मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष अल्ताफ अहमद और वरिष्ठ समाज सेविका व एल्डरमैन रत्ना नारमदेव कार्यक्रम में शामिल रही। इनके द्वारा सभी बेहतर और होनहार खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर दुर्ग जिला हॉकी संघ के अध्यक्ष अंसार अहमद ने न्यूज टीम के समक्ष इस तरह की जानकारी दी। अगस्त मेजर ध्यानचंद जादूगर जो हॉकी के कहे जाते थे, उनका जन्मदिन था, उसको पूरे भारतवर्ष में खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी परिप्रेक्ष्य में जिला हॉकी संघ दुर्ग ने भी इस खेल दिवस को मनाया, जिसमें आज सवेरे प्रभात फेरी निकाली गई, दोपहर में बच्चों का मैचेस रखे गए थे और खाने की व्यवस्था की गई थी, जिसमें जिले के सारे खेल संघ के बच्चे यहाँ पर उपस्थित हुए और खेल दिवस को मनाए। और हमने बच्चों को पुरस्कृत करने के लिए आज छोटी छोटी चीज़ें देकर उनके खेल से संबंधित इस चीज़ को यादगार बनाया और खेल दिवस को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इसमें आज कुछ मैच वगैरह भी हुए थे, आज आपस के खिलाड़ियों बच्चों द्वारा आपस में टीम बना के मैचेस किए गए थे, जिसमें सभी टीम को बनाया गया और विजेता टीम को पुरस्कृत किया गया है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।